दोस्तों नमस्कार। और आज अपना टॉपिक है वॉल प्राइमर। जब भी पेंटिंग की बात होती है तो उसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है प्राइमर का। तो जब प्राइमर की बात आती है तो ये कंफ्यूजिंग रहती है कि हम दीवार पे प्राइमर करें या ना करें, तो प्राइमर करना कितना ज़रूरी है या नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी बात कि हम लोग को पेंटिंग करना है और पेंटिंग का हमें पूरा लाभ मिल सके, पूरा फ़ायदा मिल सके जो हम लोग पेंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा बजट देखा जाए तो पेंटिंग में फिर चला जाता है और वैसा इफ़ेक्ट भी हमें नहीं मिल पाता पेंटिंग का जैसा हमें मिलना चाहिए, है ना। तो प्राइमर दीवार के लिए और पेंट के लिए, दोनों के ही लिए ज़रूरी है। अब नया प्लास्टर जब सूखता है तो आप देखते हैं कि दीवारें ब्लैक होती हैं और रफ होती है। उसके ऊपर यदि 1 लीटर का काम है तो 2 से 3 लीटर तक चला जाता है और फिनिशिंग बिल्कुल रफ आती है। यदि वहीं हम पहले 1 कोट प्राइमर लगा दें तो जो दीवार का कालापन होता है वो ढक जाता है, ठीक है। और जब वो कालापन ढकता है तो पेंट की रिकवरी फिर बहुत अच्छे से आती है और हमारे पेंट की खपत भी कम हो जाती है। और यदि इससे भी एक महत्वपूर्ण काम दीवार के ऊपर कर दिया जाए तो पेंट और कम लगता है, शाइनिंग और पेंट का जो उठाव है और ज़्यादा आता है, और वो है वॉल पुटी। यदि दीवार के ऊपर, यानी नए सीमेंट की हुई दीवार के ऊपर, यदि स्टार्टअप ही बिना प्राइमर के नई दीवार के ऊपर पहले 2 से 3 कोट और पुट्टी लगा दिया जाए, पुट्टी करने के बाद उसके ऊपर पेपर मारने के बाद यदि उसके ऊपर 1 कोट प्राइमर कर दिया जाए तो हमारी जो पेंट की लागत है कम से कम 75% बच जाती है और शाइनिंग उससे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा मिलती है। जो फिनिशिंग है पेंट की कई गुना ज़्यादा मिलती है, 3-4 को कई गुना ज़्यादा मिलती है। यानी सही प्रोसेस अंदर की दीवारों का यही है नई सीमेंट की दीवार के ऊपर, कि सबसे पहले कम से कम 2 से 3 पुट्टी पुट्टी के कोट होने चाहिए। 3 से 4 कोट वॉल पुट्टी हो जाए, उसके बाद 1 कोट प्राइमर हो जाए, फिर आप 2 कोट पेंट मारते हैं तो आपका घर की जो पेंट की जो उठाव रहेगा वो एकदम लग्जरी हो जाएगा। तो ये तो रही अंदर की दीवारों की बात। तो ये छोटा सा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस नहीं, इसमें बहुत सारे काम है जो शुद्ध हो जाते हैं। पहला शुद्ध हो जाएगा, छोटे मोटे क्रैक फिल हो जाएंगे और जो खट्टे छोटे मोटे होंगे वो फिलअप हो जाएंगे, दीवार स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। आपका माल कम लगेगा और एकदम लग्जरी पेंटिंग का इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं बाहर की दीवार के ऊपर। बाहर की जो नई दीवार है उसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा कि आप पुट्टी खींचो, यदि खींच लेते हैं तो कोई गुनाह भी नहीं और गलत भी नहीं। आजकल वाटरप्रूफ पुट्टी मार्केट में अवेलेबल है, बिरला वालों की अच्छी है जो कि वॉल सील पुट्टी है, आप उसको लगा सकते हैं 2 कोट 3 कोट 4 कोट जो भी आपको करना है बाहर की दीवार पर कर लीजिए। यदि नहीं करते तो 1 कोट कम से कम 1 कोट व्हाइट सीमेंट का घोल के, ठीक है, व्हाइट सीमेंट को घोल के ब्रश से मार देते हैं, यानी व्हाइट वॉश मार कर देते हैं सीमेंट से, व्हाइट सीमेंट से 1 कोट। उसके ऊपर सूखने के बाद एक बार पानी लगा दीजिए, दूसरे दिन पानी लगा दीजिए, उसे पेंट मात मारी है, फिर दूसरे दिन शाम को पानी लगा दीजिए, तीसरे दिन जब उसके ऊपर आप पेंट मारेंगे, कोई भी एक्सटीरियर पेंट, बाहर की दीवार की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद जब आप पेंट मारेंगे तो आपको इतना अच्छा इफेक्ट मिलेगा और इतना कम पेंट लागत आएगी कि देखे ही बनता है। और यदि आप हड़बड़ाहट में सीमेंट के ऊपर डायरेक्ट पेंट मारने की कोशिश करेंगे तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। डायरेक्ट पेंट दीवार के ऊपर, यानी नए सीमेंट हुई दीवार के ऊपर डायरेक्ट पेंट मारना बहुत ही गलत है, क्योंकि आज के समय में जितने भी पेंट हैं लग्जरी है, कॉस्टली है, तो आपका समय भी बचे और पेंट भी कम लगे और उसका जो इफेक्ट है बेटर से बेटर मिले। तो ये सब प्रोसेस यदि करेंगे तो आपको अच्छे से काम हो जाता है। और यहाँ प्राइमर कौन सा इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अंदर की दीवारों के लिए आप जो भी ऑयल बेस्ड, एशियन के ऑयल बेस्ड प्राइमर है, डिको प्राइमर भी बोलते हैं उसको, और सीमेंट प्राइमर वगैरह बोलते हैं, सीमेंट प्राइमर, वो आप अंदर की दीवार में इस्तेमाल कीजिए। ऑयली वाला, वाटर वाला मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो इतना खर्चा करके यदि वाटर वाला करना है तो गलत है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि अच्छा ही प्राइमर इस्तेमाल करने के लिए। अब बाहर की बात करते हैं तो बाहर के लिए प्राइमर की जरूरत पड़ती है तो बाहर का एक्सटीरियर प्राइमर मिलता है, बाहर के लिए एक्सटीरियर प्राइमर एशियन में मिलता है, वो अच्छा ही मिलता है। और वो एक्चुअली क्या है, वो वाटर बेस्ड रहता है, वो ऑयल बेस्ड नहीं होता, लेकिन वो वाटर प्रूफ रहता है, कॉस्टली होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। तो मैं तो सीधा ही कहूँगा कि आप
सीमेंट का एक कोट मार देते हैं, तो उसके ऊपर डायरेक्ट दो कोट कोई भी अपेक्स वगैरह का लगा दीजिए, अपेक्स एटमा का आता है कोई भी लगा दीजिए, ज़्यादा महंगे तरफ जाएंगे कोई मीनिंग नहीं, अपेक्स के दो कोट मार दीजिए, ठीक है, अपेक्स अल्टीमा आता है, अपेक्स एक नॉर्मल आता है, एक अल्टीमा आता है, तो वो मार दीजिए, मीडियम में पड़ता है ना तो एकदम हाई क्वालिटी में, रेंज हाई रेंज में है ना तो लो रेंज में, मीडियम रेंज में, दोनों ही बजट में रहेगा। तो प्राइमर मारते समय ये जरूर ध्यान दीजिए, बाकी अंदर का प्राइमर बाहर और बाहर के प्राइमर अंदर ये भी समझ लीजिए, यदि अंदर का प्राइमर है तो उसको बाहर इस्तेमाल ना करें, यदि बाहर का प्राइमर आपके पास बचा है उसको अंदर की दीवार में आप लगा सकते हैं, क्योंकि बाहर का जो प्राइमर रहता है वो बनाते समय इस बात का खास ध्यान दिया जाता है कि उसमें डायरेक्ट धूप और बहुत सारी बरसात पड़ती है, तो ना तो धूप में खराब हो ना तो बरसात में खराब हो, इस चीज़ का खास ध्यान दिया जाता है, दिया ही जाता होगा, मैं तो पेंटर हूँ और मैं इस्तेमाल करता हूँ, मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, इसके लिए मैं आपको वो रिकमेंड करता हूँ। और इतना सब बताने के बाद यदि फिर भी कुछ आप जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिली होगी प्राइमरी के विषय में, अंदर की दीवारों के विषय में और बाहर की दीवारों के विषय में, कुछ और जानना चाहते हैं तो